इस बात में बहुत अलर्ट रहने पड़े। क्या कि पाप क्यों हो जाता है? पाप हो जाता है संग दोष और अनुदोष से। लगातार अनुदोष से बचे रहे और बीच में कहीं कोई ऐसा हो जाता है कि अनुदोष में चक्री में आ गए तो वहीं से बुद्धि खराब होने लगी। अन्न जो है बुद्धि को नष्ट करता है, दोष को बहुत जल्दी पकड़ता है। जैसे संग दोष को पकड़ता है वैसे अन्न भी दोष को पकड़ता है। इसलिए जितना कायदा उतना फायदा। अपनी आत्मा के शक्ति को भी देखना पड़ता है, कोई में आत्मा की शक्ति है कि वो किसी के साथ है, उसका कल्याण करने के लिए थोड़े समय के लिए उस आत्मा के कल्याण के हिसाब से अन्न दोष में आ भी जाता है लेकिन याद में खूब रहता है। अंदर की अलर्टनेस पक्की है, मोह में माया में नहीं फंसता, उन आत्माओं के अटैचमेंट में नहीं आता, ऊपर ऊपर से व्यवहार करता है तो बच जाता है। अगर अटैचमेंट में आ गया और अन्न दोष भी कर लिया, संग में भी आ गया तो नहीं बच सकता। तो आत्माएं जो है पुरुषार्थ करती है लेकिन पुरुषार्थ करते करते पाप का ध्यान बहुत रखना पड़े। संग दोष में आती है तो पाप हो ही जाता है और जिनके संग में आती है उनका अन्न भी खाना पड़ता है, नहीं तो नाराज हो जाते। तो आत्मा अंदर से चिल्लाती है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, बहुत दूर ले जा, इनके संग के रंग में आना ही न पड़े जो हम नीचे गिरे। आत्मिक स्थिति में रहने वाले जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो भी ऐसे कहने लग पड़ते। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब फिर परमात्मा को अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करना पड़ता। गुप्त पार्ट में जाता है फिर प्रत्यक्ष पार्ट में जाता है। जब प्रत्यक्षता होती है तो फिर सभी पहचान जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सूर्य उगकर के सामने आ गया फिर पहचान लिया तो कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए कहते हैं सूर्य उगने से पहले जो वेला होती है वो अमृत वेला होती है। उस अमृत वेला में अमृत बरसता है, वो अमृत जिसने पिया वो अमर हो जाता है। तो अभी ज्ञान सूर्य गुप्त है, जल्दी ही टाइम आने वाला है कि प्रत्यक्षता होने वाली है। जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है उस टाइम में अंतिम समय में जिसने पुरुषार्थ कर लिया और पुरुषार्थ करके ऊंचा भाग्य बनाई लिया तो उसके लिए कहेंगे वाह वाह। जैसे कोई एग्जाम देते हैं तो सारी वर्ष पढ़ाई पढ़े या ना पढ़े लेकिन एग्जाम होने के टाइम से पहले वो पढ़ाई पढ़ लेता है रात दिन जाग करके तो अच्छा नंबर पा लेता है। ऐसे ही यहां अभी टाइम अंत समय का चल रहा है। कोई कोई ऐसी ऐसी भाग्यशाली आत्माएं हैं कि अंत समय में ही आ रही है एडवांस में। जो एडवांस में आती हैं उनकी सिफ्त ये होती है मोस्टली ऐसी आत्मा है कि वो आदि में भी थी लेकिन बीच में अभी एडवांस में नहीं आई है लंबे समय से। नहीं आई है तो उनके लिए एक तरह से अच्छा ही है क्योंकि एडवांस में जो शुरू शुरुआत में आ गए और फिर विरोधी बन गए तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये तो बहुत भारी नुकसान हो गया। सदगुरु निंदा कराने वाले बन गए, वो तो उस लिस्ट में आ गए जिसके लिए बोला गया सदगुरु निंदक ठौर न पावे। जो सदगुरु की निंदा करने वाले हैं वो जो नई सृष्टि बनेगी उस नई सृष्टि में उनको नजदीक स्थान नहीं मिलेगा।
नजदीक स्थान नहीं मिलेगा, दूर का नंबर मिलेगा। ठहर ना पावे का मतलब जैसे अष्टदेव की माला है, तो अष्टदेव की माला में जिन्होंने एडवांस की शुरुआत में ग्लानी कर दी वो नहीं आ पाएंगे। बारह की लिस्ट में आ सकते हैं, सूर्यवंशियों की बारह की लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि बड़े तीव्र पुरुषार्थी हैं। वो इतने तीव्र पुरुषार्थी हैं कि अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे, और उनके फॉलोअर्स इस बात को नहीं समझ पाते, वो उनको फॉलो करते हैं। फॉलो करने की वजह से वो उनके नीचे नीचे गति को पकड़ लेते हैं। पहले दुर्गुणों को आदमी जल्दी पकड़ता है और सद्गुणों को जल्दी नहीं पकड़ पाता है।